परीक्षा समिति के द्वारा इंटरमीडिएट रिजल्ट को लेकर के अभी तक कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है, लेकिन पूरे सोशल मीडिया पर अभी बिल्कुल रूप से वायरल हो रहा है नोटिफिकेशन कि 22 मार्च को जारी होगा, जो कि बिल्कुल रूप से फेक है। फेक का प्रमाण के तौर पर आप देख सकते हैं बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर प्रसाद है, जबकि यहाँ पर विजय कुमार चौधरी जो कि बैक साल के हैं, ये गलत है। इसी में आप लोग को दूसरा नोटिफिकेशन की हम बात करेंगे, तो यहाँ पर इस तरह के नोटिफिकेशन देख सकते हैं लोगों ने कितना होशियारी की है। यहाँ पर प्रोफेसर चंद्रशेखर तो दे दिए हैं शिक्षा मंत्री, लेकिन यहाँ पर जो है इस अवसर पर संजय कुमार अपर मुख्य सचिव का नाम जो बताया गया है वो बिल्कुल रूप से गलत है, क्योंकि अभी कृष्ण कुमार नाम के एक ऐसा मतलब व्यक्ति है जो अभी अपर मुख्य सचिव है, तो ये भी बिल्कुल रूप से आपका गलत है। तो इस तरह से देख सकते हैं ये बिल्कुल रूप से फेक है। तो अभी के हम इस वीडियो में आपको बताएंगे रिजल्ट कैसे करना चाहिए। लिंक तो बिल्कुल एक्टिव है, अभी हम लिंक एक्टिव पर चलेंगे और एक्टिव लिंक पर क्लिक कर देंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे हमारे सामने इस तरह के पेज ओपन होगा। पहला वाले पेज पर हमें सिंपली क्या करना है, क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह के पेज ओपन होगा, यहाँ पर आपको रोल कोड भर देना है। तो रोल कोड फटाफट हम यहाँ पर भर देते हैं 53028, यहाँ पर भर दिया। अब हमको रोल नंबर भरना है, तो यहाँ पर हम रोल नंबर भर देते हैं, यहाँ पर रोल नंबर भी हमने यहाँ पर भर दिया। अब जो आपको करना है, अब वो प्रक्रिया है आपका यहाँ पे 10 और 9 को ऐड करना है। करने का यहाँ पे 19 आ जाएगा, जिसको आपको यहाँ पे भर दे, तो यहाँ पर ये चीज को ऐड कर देना है, ठीक है। तो 10 और 9 जो है गिनती आता होगा आपको, 19 होता है, तो 19 को आपको यहाँ पे भर देना है। भरने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पे सर्च बटन पर क्लिक करना है। देखिए सर्च, यहाँ पर सर्च वाले पे क्लिक कर देना है, ध्यान रखिएगा सर्च पर हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। चलिए यहाँ पे आपके सामने रिजल्ट जो आया है वो आया है रिजल्ट नोट फाउंड। इसका अर्थ समझ लीजिएगा, नोट फाउंड का मतलब हो रहा है कि आपका रिजल्ट अपलोड नहीं हुआ है। अपलोड होगा तो 100% यहीं से आप पहले चेक कर पाएंगे, क्योंकि बिहार बोर्ड का शायद इतना स्लो चलेगा कि आप सोच भी नहीं सके होंगे। यहाँ पर पहले अभी आपको ओके क्लिक कर देना है, ओके क्लिक करना, और हम फिर आपको बताते हैं। अब आपको गूगल पे आ जाना है, गूगल पे आइए और यहाँ पर सर्च कर लीजिए माधव NCERT क्लासेस। ऐसे सर्च करने के बाद आपके सामने इस तरह के पेज ओपन होगा, थोड़ा सा वेट कीजिएगा। यहाँ पर इस तरह के पेज अब आपके सामने ओपन होगा, तो इस वाले पेज पर सिंपली आपको क्या करना है, एक छोटा सा क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे हमने क्या क्या क्लिक कर लिया, जैसे हम क्लिक करेंगे पेज को ऊपर से रिफ्रेश मारना है और नीचे आ जाना है। नीचे आएंगे तो लेटेस्ट अपडेट में आप देख रहे हैं कि लिंक एक्टिव हो चुका है, अचानक फैसला लिया गया था। यहाँ पर आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है रिजल्ट 4 बजे के बाद ही, दोपहर के बाद ही, जो बिल्कुल रूप से ये जो है आपको आर्टिकल 100% सही सही जानकारी आपको दे रही है। बस आपको इसको समझना है, पढ़ना है। स्पष्ट रूप से बताया गया है कि आज जारी होगा न्यू लिंक एक्टिव। न्यू लिंक तो हमने पहले ही आपको बता दिया है, 22 मार्च से पहले रिजल्ट जारी होगा, ये मैं 100% कहता हूँ। ये चीज़ आपको यहाँ पर रिकॉर्ड करके और स्क्रीन शॉट करके रख सकते हैं। जो भी नोटिफिकेशन वायरल हो रहा है ये सब के सब बिल्कुल फेक है, इसकी पुष्टि भी हमने नीचे में कर दी है, यहाँ से आप देख सकते हैं। ऊपर बताया गया जो नोटिफिकेशन वो गलत था, बिहार बोर्ड बड़े अधिकारी ने क्या जानकारी दी है हम इसको जान लेते हैं। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे बिहार बोर्ड के, देखिए इंटर परिणाम घोषित करेंगे कौन करेंगे और कहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं। और बड़े अधिकारी ने स्पष्ट तौर पर बता दिए हैं कि रिजल्ट जारी होने से पहले 12 से 20 घंटा पहले बिहार बोर्ड अध्यक्ष आनंद किशोर और शिक्षा मंत्री इस बात को बताएंगे और नोटिफिकेशन जारी करेंगे, फिर आपका रिजल्ट जारी होगा। तो आप लोग घबराए नहीं और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यह आपको बिल्कुल सही जानकारी देते रहता है और अभी भी दे रहा है। टॉपर का वेरिफिकेशन और इंटरव्यू पूर्ण रूप से आज समाप्त होने वाला है, उम्मीद है कि शाम तक आपका टॉपर लिस्ट जारी कर दिया जाएगा। टॉपर लिस्ट जो पहले जारी किया गया था वो भी सही है, लेकिन पूर्ण रूप से वो सही नहीं है, क्योंकि टॉपर अभी लगभग 100 से भी ऊपर स्टूडेंट टॉपर में आए हैं, उसमें से सबका इंटरव्यू और वेरिफिकेशन लेगा, उसके बाद मात्र टॉप 10 यानी 10 स्टूडेंट को ही उसमें से चुना जाएगा, जिसका लिस्ट आज शाम तक जारी कर दिया जाएगा। जारी होते ही सबसे पहले हम आपको यहाँ पर बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।